2014 में सत्ता में आने पर जब मुझे ये बताया गया कि भारत अपनी सुरक्षा का 70% भाग विदेश से आयात करता है, ये सुनकर के मुझे इतना गहरा धक्का लगा, इतना दुख हुआ। 125 करोड़ का देश हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करने वाला देश, बुद्धिमान प्रतिभान नौजवानों का देश, और हथियारों के लिए दुनिया पर डिपेंडेंट है। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये सुनो, ये वीर जवानों की धरती है, सुनो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास रक्षा उत्पादन का 150 साल का अनुभव था। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके पास ये अनुभव था जो भारत को विरासत में मिला था। 150 साल का अनुभव हमारे देश के पास था, और देश में तब 18, जब भारत आजाद हुआ तब 18 आयुध फैक्ट्रियां हमारे देश में काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में चीन में, भारत जब आजाद हुआ उस कालखंड में, चीन में उस समय रक्षा उत्पादन करने वाला एक भी कारखाना नहीं था, लेकिन आज चीन रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि संसार में इसका बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्ट करता है। इसके उलट भारत आज दुनिया में रक्षा सामग्री आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश इसलिए बड़ा माना जा रहा है। बताइए, ये थी कांग्रेस के 17 साल की क्रिमिनल निगलिजेंस, ये थी देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के रवैये की सच्चाई। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। पहले की सरकार की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है। इस दौरान रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी 100% की वृद्धि हुई है।